झारखंड के जिला सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में आज विधायक नमन विक्सन कोनगाड़ी और उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव की गरिमामयी उपस्थिति में एसके बागे कॉलेज कोलेबिरा एवं एसएस प्लस टू हाई स्कूल कोलेबिरा में एक एक नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया गया। वहीं विद्यालय छात्रावास के विधिवत उद्घाटन के उपरांत विधायक एवं उपायुक्त ने भवन के निर्माण कार्य से संबंधित कार्यों का जायजा लिया। वहीं विधायक ने भवन में देखे गए त्रुटि को सुधार करने हेतु अभियंता को कहा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए जन कल्याण की लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा धरातल पर सुनिश्चित कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण कराएं। वहीं उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि कोलेबिरा प्रखंड के एसके बागे एवं एसएस प्लस टू हाई स्कूल कोलेबिरा में बालिका छात्रावास का निर्माण किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ बैठक करते हुए प्राकलन के अनुरूप कार्यों की समीक्षा करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया। वहीं ससमय आवश्यक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही भवन के खिड़की में जाले एवं पर्दे लगाने की बात कही। वहीं गेट के पास ग्रिल लगाने को कहा। वहीं उन्होंने विद्यालय परिसर के इर्द गिर्द भी मुआयना किया। वहीं मौके पर आईटीडीए निदेशक प्रखंड विकास पदाधिकारी कोलेबिरा सीओ कोलेबिरा जनप्रतिनिधि प्राचार्य शिक्षक के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और आगे बढ़ने में हर पहलू में शिक्षा ही से सहयोग भी मिलता है। और आज इस भवन का उद्घाटन हम लोग कोलेबिरा में दो स्तर के पढ़ाइयों के लिए, एक अंडर 12 और एक पोस्ट 12, तो दोनों के लिए एक एसके बागे यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज है जिसके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा देने हेतु छात्रावास, बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, कोलेबिरा डैम के किनारे ही वो अवस्थित है। उसका निर्माण हो गया है, अच्छा कार्य भी हुआ था, कुछ काम जो काम है वो शेष है जिसके लिए निर्देशन दिया जा चुका है। उस निर्देशन के अनुसार उन्होंने बोला है कि अगले कुछ दिनों में एस्टिमेट बनाकर वो दे देंगे और कार्य भी हम शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा ठीक कोलेबिरा के बीचों बीच यहाँ अवस्थित है हमारा प्लस टू छात्रावास, बच्चों के लिए भी हम लोगों ने बनवाया है और इसमें भी बच्चे रहेंगे। हालांकि यहाँ की कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो देख के लग रहा है कि अभी कुछ बिंदुओं में वो अधूरा है और कंसर्न जो कंपनी है वो हम लोग के संज्ञान में है, उसके काम की क्वालिटी जो है थोड़ा सा जो है वो ऑब्जेक्शनेबल रहा था, जिसके लिए उनको भी निर्देशन दिया जा चुका है। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अच्छे काम करके उसको बच्चों को हम लोग सुपुर्द कर सकेंगे। अखंड भारत न्यूज़ के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट सिमडेगा का।